दोस्तों आईपीएल में अपनी बॉलिंग और बैटिंग से लाखों दिलों में जगह बनाने वाले हमारे प्यारे हरियाणा के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया आजकल अपनी क्रिकेट परफॉर्मेंस को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेग स्पिनर राहुल तेवतिया की बायोग्राफी एंड लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन भी जान लीजिए। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिले आपको सबसे पहले, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 मई 1993 को हरियाणा के फरीदाबाद में राहुल तेवतिया का जन्म हुआ। दोस्तों राहुल ने बहुत कम एज में ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। उनके क्रिकेट के प्रति रुचि को देखते हुए और उनके अंकल जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन थे उनसे इंस्पायर होकर राहुल तेवतिया ने बड़ा क्रिकेटर बनने का ठान लिया और फैमिली ने भी उनका साथ दिया। उनके पिता ने राहुल को उनके नज़दीक की क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाई जहाँ उन्होंने लेग स्पिनर के रूप में खेलना स्टार्ट कर दिया और उन्हें कई क्रिकेट टिप्स सीखने को मिली। इसके बाद वे पूर्व इंडियन क्रिकेटर विजय यादव की क्रिकेट एकेडमी में आ गए जिससे उनके क्रिकेट परफॉर्मेंस में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। दोस्तों राहुल तेवतिया को अपने क्रिकेट करियर में पहली सक्सेस तब मिली जब उन्हें 6 दिसंबर 2013 को हरियाणा टीम से रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक के खिलाफ बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा में अपना फर्स्ट डेब्यूट करने का मौका मिला। तब से रणजी ट्रॉफी के प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं राहुल तेवतिया और अपने शानदार प्रदर्शन से हरियाणा में फेमस हो गए। उसके बाद दोस्तों राहुल की किस्मत तब चमकी जब उन्हें साल 2014 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने राहुल तेवतिया को 10 लाख रुपए की बेस्ट प्राइस पर खरीदा और यहां से इन्होंने अपना T20 डेब्यूट किया। राहुल ने 2014 में राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग की। इस परफॉर्मेंस को देखते हुए दोस्तों राहुल तेवतिया को साल 2017 में आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब ने 25 लाख रुपए में खरीदा। दोस्तों साल 2018 के आईपीएल में उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने 3 करोड़ रुपए की बेस्ट प्राइस पर खरीदा। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2019 में इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान उन्होंने एक आईपीएल की पारी में एक गैर विकेट कीपर द्वारा सर्वाधिक कैच 4 कैच लेने का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों इस साल 2020 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने राहुल तेवतिया को 3 करोड़ रुपए की बेस्ट प्राइस पर खरीदा है और जिस तरह से आईपीएल 2020 में तेवतिया परफॉर्मेंस कर रहे हैं उससे झलक रहा है कि सब ऑलराउंडर फेल हो गए हैं तेवतिया के सामने। तेवतिया आईपीएल 2020 में अपने दमदार लेग स्पिनर के रूप में बॉलिंग प्रदर्शन से राजस्थान रॉयल्स के जीत के हीरो साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हाल ही में हुए आईपीएल मैच में 27 सितंबर 2020 को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स को 18 बॉल में 51 रन चाहिए थे, फिर राहुल तेवतिया ने एक ही ओवर में 5 छक्के जड़े और 31 गेंदों में 53 रन बनाए। तेवतिया ने इस मैच को बहुत ज्यादा रोमांचक बना दिया था और रोमांचक जीत के हीरो रहे राहुल तेवतिया। और इसके साथ 27 सितंबर 2020 को राहुल तेवतिया ने आईपीएल में एक ही ओवर में सबसे ज्यादा छक्के मारने का क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी की और एक ही मैच में अपना पहला आईपीएल अर्धशतक बनाया। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल तेवतिया जो कि एक ऑलराउंडर है उनका सपना बहुत बड़ा है, वो टीम इंडिया में खेलना चाहते हैं। इनके आईपीएल के परफॉर्मेंस को देखते हुए लग रहा है कि जल्दी उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हो सकता है। चलिए राहुल भाई, आपकी टीम में खेलने की ख्वाहिश पूरी हो और इसी विश के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। तो दोस्तों ये थी क्रिकेटर राहुल तेवतिया की लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल पर पहले बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देना ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।